सिद्धार्थनगर जिले की पुलिस को आज बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसओजी सदर थाने की पुलिस और सर्विलांस टीम ने 48 घंटे के अंदर एक लूट की घटना का खुलासा किया है। आपको बताते चलें कि 3 अगस्त की शाम को एक खाद व्यापारी से लुटेरों ने 51,000 रुपए लूट लिए थे। यह घटना पुलिस के लिए चुनौती बन गई थी। आज पुलिस ने सदर थाना क्षेत्र के चुनपुरवा मोड़ से इन लुटेरों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अभियुक्त करम मुलजिम और इरफान तीनों सदर थाना क्षेत्र के कल्याणपुर के निवासी हैं। ये तीनों नशे के आदि हैं। ये कई दिन से खाद व्यापारी अब्दुल रहमान की रैकी किया करते थे। 3 अगस्त को तीनों ने खाद के दुकान से निकलते ही अब्दुल रहमान का पीछा किया और सुनसान जगह देखकर उसे रोक लिया। व्यापारी ने जब इसका विरोध किया तो मारपीट कर रुपए से भरा झोला लेकर वे फरार हो गए। इस घटना के बाद से ही पुलिस हरकत में आ गई। एसपी से इस घटना के खुलासे के लिए एसओजी टीम को लगा रखा था। आज इनको गिरफ्तार करके पुलिस ने राहत की सांस ली है। इनके पास से लूट के 51,000 रुपए, मोबाइल, टिफिन को पुलिस ने बरामद कर लिया है। इसके साथ ही एसपी ने इस घटना का खुलासा करने वाली टीम को 15,000 रुपए का इनाम दिया है। तीन अगस्त की शाम को इसमें वादी अब्दुल रहमान जब अपनी दुकान से घर को वापस जा रहे थे तो बख्तावरपुर रोड के पास इनके साथ लूट की घटना हुई। इसमें थाना सिद्धार्थनगर की टीम एवं एसओजी ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए 48 घंटे के अंदर इस घटना का अनावरण किया है और इसमें 100% बरामदगी की है। जो पकड़े गए 3 अभियुक्त हैं अकरम, मुजम्मिल, इफराक, ये तीनों ही कल्याणपुर थाना सिद्धार्थनगर के रहने वाले हैं। इनके पास से कुल 51,000 रुपये और जो झोला जो उन्होंने लूटा था वो भी बरामद किया गया। साथ ही जो वादी का टिफिन था, चश्मा था, एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन, उसके जो बैंक की पासबुक और आधार कार्ड और एक लूट साथ में जो इनकी दवाई की शीशी थी ये भी इनके पास से बरामद की गई है। टीम ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है, इसके लिए इनके सराहनीय कार्य के लिए इनको 15,000 रुपये से पुरस्कृत किया गया। इसमें मोबाइल इसको बरामद किया गया है, इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और भी जो इन्हें तथ्य है उसके अनुसार विधिक कार्य पूर्ण करेंगे। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर।